आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आवाज हिंदी न्यूज। नवादा में उत्पाद टीम ने गुप्त सूचना के आलोक में गोविंदपुर रोड पर सीमा के करीब सोमवार की दोपहर करीब 1 बजे एक जाइलो कार में बने दो तहखानों से 103 लीटर विदेशी शराब, कुल 276 बोतल, सभी ब्रांड रॉयल स्टैग प्रीमियम विस्की और इंपीरियल ब्लू प्रीमियम विस्की का 375 ml का बोतल बरामद कर कार में सवार तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार आरोपी बोकारो जिला के रहने वाले हैं। उनके द्वारा बतलाया गया कि वे लोग बोकारो से शराब लेकर परसा जिला सारण जा रहे थे। गिरफ्तार शराब तस्करों में हरे राम भगत उम्र 45 वर्ष करीब पिता स्वर्गीय वाइन भगत ग्राम सेक्टर 9B 11 स्ट्रीट झोपड़ी थाना हरला जिला बोकारो, स्थायी पता ग्राम मुबारकपुर थाना सिसवन जिला सिवान, दूसरा अशोक कुमार सहनी उम्र 35 वर्ष करीब पिता स्वर्गीय हरेंद्र साहनी ग्राम सेक्टर 9B रोड 11 स्ट्रीट के पास झोपड़ी थाना हरला जिला बोकारो एवं तीसरा प्रमोद कुमार उम्र 45 वर्ष करीब पिता केदार महतो ग्राम सेक्टर 9B रोड हरला बोकारो बताया गया है। छापामारी दल का नेतृत्व निरंजन कुमार सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध के द्वारा किया गया। इनके सहयोग में मद्य निषेध सिपाही और रंजीत कुमार व अन्य गृह रक्षकों भी शामिल थे। नाम है आपका? अरे राम भगत। कहाँ से आ रहे थे? बोकारो से। कहाँ जाना था? छपरा के आसपास जाना। छपरा के आसपास कोई जगह होगा? परसा, परसा छपरा, छपरा जिला में है ना? अच्छा, ये सामान कौन दिया आपको? संदीप। क्या क्या नाम है उसका पूरा? है क्या नाम है उसका पूरा? संदीप कुमार गुप्ता। तो गाड़ी कितने बजे आपको दिया बोकारो में? भाई करीब हमको 8-9 बजे के आसपास दिया। रात में कि सुबह में? सुबह में आपको आज ही के दिन आज 2 तारीख को, 2 सितंबर को, ठीक है, आज ही के दिन सुबह में दिया। क्या बोला? बोला कि जाना है छपरा। हाँ, तो वहाँ जब गए होंगे, जब आपको दिया गाड़ी, तो बोला होगा ना कि किसको देना है वहाँ? गाड़ी लगा दिया, वहाँ चाबी रख दिया गाड़ी में, वहाँ चला गया। अच्छा अच्छा, गाड़ी आपको जहाँ पे गाड़ी भराया था वहाँ मिला या कहीं और लाके मिला? रोड पे। तो उसको आप जानते हैं? जानते नहीं है, लेकिन गाड़ी लगा हुआ था। तो बिना जान पहचान का आप गाड़ी कैसे ले आए? पहले से जान पहचान होगा? अच्छा, देखे नहीं है उसको? आपका क्या नाम है? आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर सिवान जिला। सिवान जिला। रहते कहाँ है अभी? बोकारो। कहाँ पे? 9। अरे पूरा एड्रेस बताओ। 9 बी रोड स्ट्रीट 11। बी रोड स्ट्रीट 11 के पास। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार साहनी। बाबूजी का नाम? परजेंद्र साहनी। घर कहाँ है? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला। गांव? गांव खेता। थाना? सरायरंजन। सरायरंजन। और अभी कहाँ रहते हो? बोकारो। पूरे परिवार के साथ? परिवार। वहीं सेटल हो गए? हाँ। कहाँ पे? सेक्टर 9B रोड। सेक्टर 9B रोड में, स्ट्रीट 11 में। कोई क्वार्टर वगैरह नंबर है? नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये शराब आप ही लोग पैक किया था? नहीं, हम लोड किए थे। दिया लोड किया था ना? अच्छा, मीन्स 1500 रुपया देंगे और लोड कर दो। तो कहाँ पर लोड किए थे? कहाँ पर? जंगल में दिया था। अभी आप चलोगे तो उस जंगल में लेके चलोगे हम लोगों को अगर बोलेंगे तो? रात को ले जाता, हमको ख्याल नहीं है कि कहाँ पर। तो रात को ले गया था, तो तुम कब से उसके साथ थे? संदीप कुमार गुप्ता दो बार। मीन्स अभी जब आज सुबह 8-9 बजे चले, तो कितने बजे गए थे जंगल में? रात को गए। कितने बजे? 11 बजे रात को। जंगल नहीं मालूम कहाँ है? नहीं, ले गया। आप अकेले लोड कर रहे थे कि और कोई भी नहीं, था? एक अकेला आप लोड कर दिया? हाँ। वो लेके चला गया, बोला आएगा दूसरा दिन लेके दे देना। अच्छा अच्छा, देने वाला कोई और था? हाँ। जो लोड कराया आपसे वो और कोई आदमी था? उसका क्या नाम था? नहीं, उसको नहीं जानबो, नहीं करते, खाली जंगल में। ऐसे तुम्हें अगर कोई लेके चला जाएगा और कहीं कुछ अपहरण करके किडनी उडनी निकाल लेगा तो कैसे? ऐसे तो तुम तो जानते होगे कि कौन आदमी है,
तो ऐसे ही चले गए अनजान आदमी के साथ? एक दो बार गए थे, 1500 देंगे चलो लोड। अच्छा अच्छा, तो घर के आस पास है या ज्यादा दूर था? अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार। अच्छा, बाबूजी का नाम? केदार प्रसाद। केदार प्रसाद। घर? यहाँ बताने तो वहाँ पे। जहाँ बताना है, अस्थाई घर कहाँ है? अस्थाई घर ग्राम हरगामा, पोस्ट हरगामा, थाना मानपुर, जिला नालंदा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ रहते हो? सेक्टर 9 में रहते हैं सर। अच्छा, बोकारो में जी। तो वहाँ कहाँ पर रहते हैं? सेक्टर 9 बी रोड में सर। एड्रेस तो फुफा का डेरा का है। हाँ हाँ, जो क्वार्टर है। अच्छा, लेकिन बी रोड झोपड़ी में ही रहते हैं। अच्छा, एड्रेस कितना है फुफा का? फुफा वहाँ रहते हैं आपके? ना, वो क्वार्टर लीज पर खरीद के बारी को रोटी मकान बना लिया बोकारो में ही। बोकारो में। अच्छा, तो वो अपना जो लीज पर लिए होंगे उसको अपना रेंट वेंट लगा के रखते होंगे? अच्छा, कुछ दिन रहे। आप इस शराब लाने वाला जो अभी प्रोग्राम आप लोगों को हुआ तीनों आदमी का, संदीप कुमार गुप्ता के द्वारा जो सामान दिया गया जी। उसमें आप कितने दिनों से जान रहे हैं संदीप कुमार गुप्ता को? हम सब उसको जान रहे हैं 5-6 महीना से। 5-6 महीना से जानते हैं। पिताजी का चाय दुकान है संदीप कुमार गुप्ता का। कहाँ पे है चाय दुकान? मॉल सोफी सेंटर, मतलब मार्केट का नाम है सोफी सेंटर। हाँ। की कॉफी सेंटर? नहीं सर, सोफी सेंटर। सोफी सेंटर, सिवान मोड़, बोकारो। ये जो आपका स्टील प्लांट का क्वार्टर एरिया है उधर ही है? 12 सेक्टर है सर। हाँ हाँ, आपका नाम क्या है? जिज्ञासा कुमारी। ये आपके सामने ये लोग सामान दारू वगैरह मिला है गाड़ी में? अच्छा अच्छा, और ये सभी आपके सामने तीनों आदमी गाड़ी में पकड़ाए हैं? ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत कुमार है सर। आपके सामने शराब पकड़ाया है जी, गाड़ी में? अच्छा, कहाँ पर पकड़ाया है ये जगह? उधर जंगल में ही। जंगल में ही पकड़ाया है सर। आपका क्या नाम है? राम रतन कुमार। अच्छा, आप किस चीज से हैं? बीएचजी से? यस सर। कितना बीएचजी नंबर है? 1918-27। आपका कितना है? 1918-38 सर। अच्छा, 28। आपका? जी सर, मेरा नाम उदय कुमार। हाँ, बीएचजी के जवान। हाँ यस सर। ये आपके सामने, आप सभी के सामने शराब गाड़ी पकड़ाया था और गाड़ी में शराब था? यस सर। है ना, ठीक है।